और ऋतु पूर्णा, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली की, और आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या प्लानिंग की है, कैसे कैसे मनाएंगे इस बार होली को? होली मेरे लिए बहुत ही एक आनंदित उत्सव है, और मैं मुझे लगता है कि होली के दिन हम लोग सब घुल मिल के एक साथ हो जाते हैं, मिलते हैं, बहुत दिन के बाद बहुत दोस्त लोगों को मिलते हैं। तो अभी होली का प्लान है, एक दिन मैं मुंबई में रहूँगी और एक दिन वापस कलकत्ता जाऊँगी, क्योंकि उधर भी बहुत बड़ी होली, मतलब डोल होता है हम लोगों के, हम लोग जो बोलते हैं बंगाली, डोल खेला और हम लोग सब गुलाल लगाएंगे और पिचकारी से सब होगा सब सब। इस बार कितनी, अरे एक मिनट मेरा प्लान बोल लूँ पहले? हाँ प्लान बोलिए। शानुदा का तो बहुत बढ़िया प्लान होगा। मेरा सॉलिड प्लान है, मैं पूरा दिन घर में बैठा रहूंगा, क्योंकि मैं ये कलर से बहुत ही, मेरे को गला वाला सब पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं कलर अवॉइड करता हूँ। अभी बचपन में बहुत खेला, लेकिन इस बार हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ, अपने आप को बंद कर लेता हूँ कमरे में। मुझे ड्राई होली अच्छा लगता है शानुदा। हाँ, अगर मतलब नहीं, फिर भी उसमें भी, उसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक जो कलर्स है ना, वो अच्छा है, वो कलर्स लोग यूज नहीं करते हैं ना। वो ऐसा कलर यूज कर देते हैं कि साला एक साल तक तुम्हारे बाल में से नहीं गिरती रहेगा, कभी भी ना होगे कलर गिर जाए, जब भी ना होगे कलर। तो ये ऑर्गेनिक, मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि ऑर्गेनिक कलर से आप होली खेलिए, क्योंकि स्किन डिजीज से लेके दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होता है, तो केमिकल वगैरह जो यूज करते हैं, तो ऑर्गेनिक में बेटर है। ऑर्गेनिक होली लेके मेरे पास तो आएगा ही, कुछ टीका भी का लगाने के चक्कर में सब आएगा, गेट से वापस जाएगा, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, ऐसा लगेगा घर पे हूँ नहीं। हाँ, तो मेरा ये प्लान है कि मैं किस तरह से अपने को बंद रखूंगा, और अंदर खाना वाना पकेगा, फर्स्ट क्लास खाएंगे। हाँ, होली के दिन खाना बहुत अच्छा होता है। पीता तो नहीं हूँ मैं, खाऊंगा जरूर। हाँ, तो भांग नहीं पियोगे? भांग कौन लाके देगा यार, मेरे पास मेरा कोई दोस्त ऐसा है नहीं कि मैं खुद पीता नहीं हूँ, तो भांग देने वाला भी कोई नहीं है ना। अगर तुम लेके आओगे तो डेफिनेटली खाऊंगा। और हमारी दो तीन पिक्चर ही रिलीज है अभी कलकत्ता में, तो उसमें भी कुछ प्रमोशंस वगैरह है, तो वो भी करेंगे थोड़ा, दो मतलब कलर्स के बीच में हम लोग थोड़ा फिल्म का प्रमोशंस भी करेंगे। जब होली की बात आती है, कौन सा गाना किशोर दा का आपको, क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं उनके, कौन सा गाना आपको याद पहले स्ट्राइक करता है माइंड में, या वो वाला गाना मुझे होली रिमाइंड करता है? वो गाना आता है ना, आया रे आया रे आया रे, वो एक गाना है ना, जख्मी दिलों का बदला चुकाने, जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने, आए हैं दीवाने दीवाने। ये गाना बहुत पसंद है किशोर दा का। एंड दूसरा अमिताभ जी का वो गाना है रंग बरसे, ये तो नेशनल एंथम बन गया अभी, ऐसा है कि होली हो और ये गाना ना हो, बिना होली के भी चलता है, लेकिन होली हो। और शानदार, वो गाना भी बहुत अच्छा है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग लग जाते हैं। देखो, आपने ये होली अभी खेलना बंद किया है, बचपन में कभी आपको? बचपन में बहुत खेला। कैसे खेलते थे, क्या? अरे ये सब अभी जो देखो, ये फुग्गा मारना, फिर मोम का हम लोग बम बनाते थे, गोल गोल मोम का, आलू काट के आलू के बीच में होल करके उसमें मोम का डाल के उसमें दोनों आलू चिपका के, फिर उसमें जब निकलते थे तो अंदर से गोल बॉम्ब निकलते थे, वो अपना मोम का। अरे वाह, पतला मोम का। तो आज भी बनाना आता है मेरे को, अगर चाहे कोई बनाना के लिए हमको बोले ऑर्डर दे तो हम बना देंगे। तो क्या है कि वो बॉम्ब मारोगे तो तुरंत फूट जाता है, और फूट के बदन में काला लग जाता है। तो ये सब बना के बहुत खेला, बहुत दौड़ भाग किया, बहुत मारामारी किया, बहुत सारा किया। लेकिन इस समय जो है ना, लास्ट कुछ सालों से कलर में बहुत फर्क हो गया, कलर का जो केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो दैट्स वाई हम अवॉइड करते हैं होली को। और पानी का कलर तो एकदम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी का कलर तो अभी बॉम्बे में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पानी का इतना किल्लत है, पानी का इतना प्रॉब्लम है उसमें बॉम्बे में, तो पानी यूज करके कलर खेलना तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल और एथिकली भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के लिए यहाँ पे बहुत मारामारी होता है। तो आई थिंक ड्राई, हाँ ड्राई होली खेले, और ऐसा कलर ना लगाए कि उसको धोने के लिए उतना ही पानी खर्चा हो जाए, तो ऐसा कलर ना खेले। सही बात है। मेरा होली का बहुत ही अच्छा मतलब मेमोरीज है, एकदम भूत बन जाओगे। हाँ, और बचपन में तो बहुत होली, हम लोग, हमारा जो लोकैलिटी था
वहाँ पे बहुत होली खेलते थे सब लोग, और सुबह से मतलब 9 बजे से सब लोग घर पे, और इतना सारे कलर्स लेके आते थे कि हम लोग दौड़ भाग के भी मतलब कुछ छुटकारा नहीं पाते थे. बट आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ दोज वाटर कलर्स. वाटर कलर अगर एक बार मुझे याद है हमारी आंखों बाखों में चले जाते हैं आंखों में, ना, और वो जो एक काला और वो जो एक हरा रंग का जो कलर होता है 6 महीने का, वो हाँ वो एक बार गया था मेरा स्कूल में, मेरा छह इतना महीने डांट का पड़ी स्कूल याद में, रखना, छह महीने का, 6 महीने 6 महीने मेरा का स्कूल में इतनी डांट पड़ी. मेरा कॉन्वेंट स्कूल था और दे वर सो स्ट्रिक्ट, मेरा हाथ से भी कलर नहीं निकला, माथे से भी नहीं. सो बहुत ही उस मतलब तरह के कलर नहीं खेलना चाहिए. हाँ, सर में भी वो सब कलर्स एकदम बैठ जाता है. तो उसके बाद मुझे इतना मतलब स्कैरी हो गया मैं वो कलर्स के बारे में, तो मैं आई ऑलवेज प्रेफर ड्राई होली. लेकिन सुबह मैं एक काम तो ज़रूर करती हूँ कि मतलब भगवान के सामने थोड़ा गुलाल देती हूँ. और मेरा आई लॉस्ट माई फादर 5 years अगो, फादर के पैर ये में तो थोड़ा ये बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है, गुलाल देती हूँ. और जो भी मतलब हमारी मतलब बुजुर्ग है उनके पैर में मैं भाई. वो एक चीज आपको बता दूं कि ये मेरा फिल्म का हीरोइन थी एकदम गाने भुवन भुड़ी दो वो. हाँ. मैंने एक फिल्म बनाया था सिंगर्स लाइफ स्टोरी था. हाँ. तो उसमें ये हीरोइन थी मेरे साथ. मैंने भी बंगाली फिल्म होली का भी सीक्वेंस था ना शानू दा, जिसमें होली का सीक्वेंस था कि नहीं याद नहीं, नहीं है, know, लेकिन कुछ भी मतलब होली का कुछ था, मतलब शायद उस टाइम में होली था, ऐसा कुछ था. मतलब मुझे थोड़ा याद है हम लोग कलर्स में कुछ किया था. नहीं, हम लोगों ने शूटिंग किया था होली के टाइम पे. हाँ, होली के टाइम में शूटिंग किया था. तो ये और हम दोनों ने वो पिक्चर किया था, पिक्चर बहुत चला भी था, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला. बाकी लोगों का तो मैं कर दिया था, लेकिन हमें नहीं मिला. लेकिन शारदा बहुत बेहतरीन काम किया था. अरे वो तो फर्स्ट टाइम किया था और वही लास्ट टाइम है. जैसे आप बता रहे हैं आपको पैसा नहीं मिला, और 90s के आप किंग थे, हर एल्बम में आपके 10 गाने 7 गाने 8 गाने इतना बेशुमार पैसा कमाया, और आप अभी कह रहे हैं पैसा नहीं मिला. नहीं, मतलब एक फिल्म लोग जब बनाते हैं और वो जब चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 20 हफ्ता चल रहा है, 23 हफ्ता चल रहा है, पिक्चर चल रहा था 23 हफ्ता तक, मालूम है 23 weeks. हाँ. yes. उसके बाद मैंने उस फिल्म को उठाया जगह से. हम बोले ये चलने का मतलब क्या हुआ कि कोई कलेक्शन नहीं है, खाली फिल्म चले जा रहे हैं, जो लोग बीच में हैं वो लोग खा रहे हैं. तो हम बोले ऐसा खाने पीने देने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे बेटर है मैं सारा प्रिंट उठा के एक दिन में मैं जेट एयर में बुक करके कलकत्ता से सारा प्रिंट उठा के 28 ना कितना प्रिंट था वो सब उठा के लेके आ गया था. तो ये पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, मेन चीज़ है कि जो नियत हमको दिख रहा था कि मैं एक चीज़ बनाया और उसको लेके कोई 5 आदमी बिजनेस करे मेरा चीज़ को लेके पा रहा हूँ, दिस इज़ बैड. क्योंकि होली है और होली में रंग लगाना बनता ही है, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आधा आधा हिंदुस्तान आपके चाहने वाले से भरा हुआ है. कोई फैन शाहरुख खान की फिल्म फैन आ रही है और उसमें एक फैन का प्यार दिखाया गया है उसके आइडल के लिए, तो अगर कोई फैन आता है आपको रंग लगाना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो उसको कितनी इजाज़त दी जाएगी, कितनी लिबर्टी दी जाएगी? मैं बस थोड़ा सा ही उसको बोलूँगा कि थोड़ा सा ही आप एक टीका लगाओ या कुछ एक टुकड़ा लगा के जाओ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ वॉइस. तो वॉइस को हमको बचा के रखना पहले है, तो पहले वो देखना पड़ता है. तो वो फैन एक मिनट में राजी हो जाता है, मेरे पास बहुत सारा ऐसा हुआ केस, वो एक मिनट में राजी होते हैं, पता नहीं वॉइस का अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली दादा कुमार सानू जी मैं आपको एक साइड से लगा देता हूँ बस. तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, हम लोगों का भी चेहरा शानदार का वॉइस हम लोग चेहरा से नहीं, फैंस अगर आएगा तो थोड़ा सा देना चाहेंगे तो ज़रूर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो बढ़ता ही जाएगा तो आप संभाल नहीं सकोगे. कुछ फैन वॉलेंट भी हो जाते हैं, मतलब उनको गुस्सा आता है कि उनके आइडल से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं. तो आपने कुछ ऐसा अपने पिछले सालों में एक्सपीरियंस किया, कोई ऐसा कोई लड़का या लड़की कोई आपसे मिलने आया हो, जब आपने मना किया हो या सर आपने मना किया हो, तो वो ज़्यादा गुस्से हो गए हो या उन्होंने कुछ गलत किया हो आपके साथ, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस याद आ रहा है? एक्चुअली देखिए, मैं मेरा एक नेचर है कि मैं हर फैंस को मिलता हूँ, हर जगह पे, एयरपोर्ट से लेके सब जगह पे मेरा कोई फैंस को मैं नाराज़ नहीं करता. सबसे पहली बात तो बिकॉज ऑफ देम आई एम कुमार सानू और वी आर हियर. तो फैंस को इग्नोर करना तो दूर की बात है, वो तो हम करते ही नहीं है. दूसरी बात है, जब मैं उसको समझाता हूँ ना, वो समझ जाते हैं. हमारे फैंस जो होता है, क्योंकि हम मेलेडी लेके खेला ना, हम रोमांस को लेके खेला, तो हमारे फैंस कभी राउडी नहीं होता है. हमारे फैंस जो है ना, वो उस तरह की सॉफ्ट नेचर का ही होता है मैक्सिमम, मैंने देखा जो तो हाँ थोड़ा रोमांटिक किस्म के आदमी होता है, वो एक की जगह 12 रोमांस कर लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है. लेकिन मारामारी नहीं करते,
हमारे गाने हैं, तो उनको जब समझाते हैं ना तो वो आराम से मान जाते हैं और एक दो टीका में ही वो काम और एक निपट जाता है। मेरा एक बहुत ही एक स्टोरी याद है अभी हम एक हॉस्पिटल में शूटिंग कर रहे थे दो तीन पहले, तो जब फैन के बारे में बात हुआ तो मुझे सडनली याद आया, तो एक दो तीन लड़की उधर देवर इन द हॉस्पिटल, इंटरवेनस चल रहा था, मेरा शूट चल रहा था, देख उठ के आई बेड से मुझे मिलने के लिए, फोटो लेने के लिए, और बोला कि आप भी होली का टाइम है थोड़ा सा हम लोग तो हॉस्पिटल में ग्लव लगाएंगे, तो मैंने बोला नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंटरवेनस चल रहा है, आई कुड सी द नीडल्स इन हर हैंड, मैंने बोला तुम जाओ अभी सो जाओ जाके, मैंने एक सेल्फी लेंगे फिर जाएंगे, तो ऐसा ही होता है यू नो फैंस का दिल की बात, सो इट्स वेरी शानुदा जो बोला कि कभी फैंस को नाराज करने का तो नौबत ही नहीं आएंगे, एंड दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड अस। होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन, भैया दूज, कुछ भी हो, आप हर त्यौहार पे अपने किन किन लोगों को मिस करते हैं, आप किन को मिस करती हैं, क्योंकि आप इतना बिजी बिजी शेड्यूल आपका पहले से था अब भी है, तो अब क्या चीज़ मिस करते हैं आप बचपन में और अभी, क्या 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 बदल गया? नहीं, बचपन में डेफिनेटली जो प्रीवियस हम जो लाइफ को पार करके आते हैं, हमें उस लाइफ के बारे में हमेशा एक दुखद कहानी हर एक को बोलता है, काश वो बचपन हमें वापस मिलता, काश वो चीज़ हमें वापस मिलता। हम कोशिश करते हैं कि मैं तो खास करके कोशिश करता हूँ कि वो जो पुराने जो नॉस्टैल्जिया था, वो सब जो चीज़ थे, तो उसको हम मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे वहाँ पे जाके पानी पूरी खाना, या जहाँ पे जिस मोहल्ले में हम हमारे दोस्तों के साथ, तो दोस्तों को मैं होटल में बुला लेता हूँ, वो लोग होटल में आके हमारे साथ मिलके हुल्लड़बाजी करते हैं हम लोग, फिर वही दमालू, वही घुगनी, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब तो मिस करती हैं। होली में ये मिस करते थे कि होली के दिन सबसे बड़ी बात है कि घर में बहुत अच्छा मटन पकता था और खाना वाना बहुत अच्छा होता था, हैं, और सबसे बड़ी बात है कि होली के लिए एक स्पेशल खाना कोई ना कोई दोस्त के घर, इसके घर, उसके घर होता ही था। तो ये जो है, ये सब चीज़ अभी होता नहीं है, अभी आप होली का मतलब कुछ और हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि होली एक ऐसा त्यौहार है हमारे जिसमें हम रंग बिखेरते हैं, ये रंग नहीं होता, ये हमारा प्यार बिखेरते हैं, हम प्यार बिखेरते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक रंग, इस रंग के ज़रिए हम जो दुश्मन है उसको भी गले लगाते हैं, इस रंग के ज़रिए हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं कि भाई हम झगड़ने नहीं आया, हम तुमसे प्यार से बात करने, तो बहुत सारे चीज़ मिलन है ये होली उत्सव का मतलब। तो ये हम चाहते हैं, मिठाई बांटते हैं, मिठाई का भी बहुत ही एक अच्छा रस्म रहता है होली के, लड्डू वगैरह ये सब होता ही है, और मिठाई भी होता है होली में हमारे, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब प्यार बढ़ने का चीज़ है, तो होली त्यौहार ही ऐसा है जिसमें आपको प्यार बांटा जाता है और आप प्यार बढ़ा सकते हो थ्रू द होली। Gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.